हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परियन। दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 9 व्हिच इज एयर। एयर मींस वाटर। होपली यू विल एंजॉय। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, हम आपका चैप्टर 9 इसका नाम है एयर मींस हवा पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? लर्निंग पॉइंट है एयर कंटेंट्स वाटर वेपर्स, एयर कंटेंट्स जम्स, एयर हैज स्मोक इन इट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड फ्रेश एयर। पापा, किम क्लोज द विंडोज, द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट। किम, ओके पापा, पापा व्हाट इज विंड? किम ने कहा, पापा ने कहा, किम क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, हवा बहुत तेज चल रही है। किम ने आंसर दिया, ओके पापा, पापा व्हाट इज विंड? उसने पूछा, पापा हवा क्या है? पापा ने आंसर दिया, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन सी, वी कैन नॉट सी इट। और एयर, एयर एयर को भी हवा कहते हैं बच्चों, पर एयर वो हवा है जो जिसे हम फील कर सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है। किम, पापा व्हाट इज द एयर मेड ऑफ ऑफ? फिर किम पूछता, बताइए पापा कि हवा कैसे, मतलब कैसे बनी हुई है हवा? तो पापा ने बोला, एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर एंड जम्स। सिट हियर, आई शैल टेल यू मोर अबाउट द एयर। पापा ने कहा कि एयर जो है वो कुछ गैसों से मिलकर बनी हुई है, साथ ही डस्ट, वाटर वेपर, जलवाष्प और जम्स मतलब कीटाणुओं से मिलकर बनी हुई है। पापा उसे बोलते हैं, किम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हें किसके जो हवा के बारे में बताऊंगा। नाउ बच्चों, इसके बाद है एयर कंटेंट्स वाटर वेपर। वायु में, वायु से जलवाष्प, मतलब वायु में जलवाष्प कैसे होता है? ठीक है, वी वॉश आवर क्लोथ, आपको दिख रहा होगा, हम हमारे कपड़े धोते हैं विथ वाटर, वाटर के साथ। वाटर मेक्स द क्लोथ्स वेट, वेट क्लोथ्स ड्राई व्हेन वी हैंग देम आउट इन द सन। हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए सन, सूरज में, मतलब बाहर सूरज की रोशनी में डाल देते हैं। वेयर डज गो, और हमारे कपड़े क्या होते हैं बच्चों? सूख जाते हैं। ठीक है, फिर वेयर डज द वाटर गो? बताइए पानी कहाँ गया? इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विथ एयर, और जो ये पानी जो होता है वो जलवाष्प बनकर क्या होता है? एयर के साथ मिल जाता है। ओके बच्चों, नाउ बच्चों अब है एयर कंटेंट्स जम्स। जम्स, व्हेन अ पर्सन कफ और स्नीज, जम्स मिक्स विथ द एयर, दीज जम्स कैन एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रो एयर, दीज जम्स कैन मेक अस इल, थस वी शुड we always cover our mouth and nose while we cough, yawn or sneeze। बच्चों क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति खांसता और छींकता है तो रोगाणु हवा के साथ मिल जाते हैं, और ये कीटाणु हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये रोगाणु हमें बीमार कर सकते हैं। इस प्रकार हमें खांसी होने पर अपने मुंह या नाक को ढकना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ जैसा कि आपको डायग्राम पिक्स में दिख रहा होगा बच्चों, इसी टाइप से हमें नाक छींकते समय या खांसी करते समय अपने मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए। एयर हैज स्मोक इन इट, अब क्या होता है कि एयर हैज स्मोक इन इट मीन्स हवा में धुआं। फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स गिव आउट स्मोक, दिस स्मोक मिक्सेस विथ द एयर। फैक्ट्री, ट्रेनें और बसें क्या होती है? कारें धुआं छोड़ती हैं, ये धुआं हवा में मिलता है ना? व्हेन वुड
एंड कोल आर बर्न्ड दे ऑल्सो गिव आउट स्मोक, द स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर। और जब लकड़ी और कोयलों को जलाया जाता है तो इससे भी धुआं निकलता है और ये हमारे हवा को क्या करते हैं बच्चों, अशुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, है ना। एंड नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद है बच्चों, एंड ब्रीथिंग इन इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कम्स इन टू आवर होम्स, सो डोर्स एंड विंडोज, वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर इन। अशुद्ध हवा में सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? अच्छा नहीं होता है बच्चों। तो हमें स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए। ताज़ा हवा दरवाज़ों और खिड़कियों के माध्यम से हमारे घर में आती है। हमें जाने और आने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खुली रखना चाहिए। मीन्स हवा इन्हीं के थ्रू आती है, तो इन्हें दरवाजे और खिड़कियों को हमें खुली रखना चाहिए, इससे हमें फ्रेश एयर मिलती है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? मीन्स वायु के कुछ, मतलब आपकी हवा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। एयर हैज़ वेट, इट ऑक्यूपस स्पेस, एयर कैन मूव एंड lift things, soil has air in it, you fly kite, what happens when air moves fast? क्या होता है? हवा हमारे चारों ओर है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। वायु का भार है, यह स्थान क्या होता है, घेरती है, ठीक है, स्पेस लेती है। एयर कैन मूव, हवा, एयर कैन मूव मतलब हवा हिल सकती है, ठीक है। लिफ्ट थिंग्स मतलब soil has air in it, मिट्टी में हवा है। You fly a kite, आप तुम पतंगों का हवा में उड़ा सकते हो। What happens when air moves fast, जब हवा तेज चलती है। फिर this moving air is called wind, और जो moving air होती है उसे wind कहते हैं। Wind can make many things work or move, और इस गतिमान हवा कई चीज़ों को काम और स्थानांतरित कर सकती है, ठीक है। फिर फ्रेश एयर क्या होती है बच्चों की, ताज़ा एयर क्या होती है? सो वी मस्ट ब्रेथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। बच्चों हमें साफ और मतलब हमें ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। मीन्स आपको जल्दी उठना चाहिए। सुबह सुबह की जो हवा रहती है बच्चों, वो फ्रेश हवा रहती है ना, मीन्स फ्रेश एयर रहती है। सो आपको वो हवा, उस हवा में सांस लेना चाहिए, ठीक है। फिर प्लांट्स गिव अस क्लीन एंड फ्रेश एयर, पौधों से हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा मिलती है। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस, और हमें हमारे चारों तरफ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, और हमें हमें सोते समय अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। एंड इसके बाद है बच्चों, नाउ वी शुड नॉट कट ट्रीज, और ना ही हमें पौधों को काटना चाहिए। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।